एशिया कप 2022 में दूसरे मुकाबले में जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने हुए तो फिर टीम इंडिया की इस मैच में जीत हुई। इस जीत के बाद से हार्दिक पांड्या का नाम लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। पहले गेंदबाजी से हार्दिक पांड्या ने 4 ओवरों में 25 रन देकर के 3 विकेट चटकाए और जब बल्लेबाजी का मौका आया तो हार्दिक पांड्या ने मात्र 17 गेंदों में 33 रनों की नाबाद पारी खेली। इस परफॉर्मेंस के बाद हार्दिक पांड्या का सोशल मीडिया पर ट्रेंड होना तो बनता था, लेकिन ट्रेंड होने के पीछे एक और वजह थी और वो वजह थी हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी के दौरान उनके दिए हुए रिएक्शंस। कई बार आम बातचीत में जब चीजें फंसने लगती हैं तो हम यार दोस्त आपस में कह देते हैं कोई टेंशन की बात नहीं है, सब तेरा भाई संभाल लेगा। मैच के दौरान हार्दिक पांड्या ने भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन दिया। दरअसल रविवार को जब टीम इंडिया की बैटिंग चल रही थी उस वक्त अंत में जाकर मैच थोड़ा सा फंस गया था। भारत को आखिरी 2 ओवरों में 21 रन चाहिए थे। 19वें ओवर में 3 चौकों की बदौलत से भारत ने कुल 14 रन इस ओवर से बटोर लिए। अब आखिरी ओवर में भारत को जीत के लिए चाहिए थे सिर्फ 7 रन, लेकिन आखिरी ओवर में मामला फिर से दिलचस्प हो गया क्योंकि पहली बॉल पर रविंद्र जडेजा आउट हो गए। इसके बाद दिनेश कार्तिक क्रीज पर आए, उन्होंने सिंगल लिया और हार्दिक पांड्या के पास स्ट्राइक आई, लेकिन हार्दिक पांड्या जैसे ही स्ट्राइक पर आए तब उन्होंने एक बॉल डॉट खेली। उसके बाद हार्दिक पांड्या का ये रिएक्शन सामने आया जहां उन्होंने अपनी गर्दन हिलाकर दिनेश कार्तिक की ओर इशारा कर रहे हैं और ये चीज सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो गई है। हार्दिक पांड्या का ये जेस्चर लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर फैंस ने जमकर हार्दिक पांड्या के कॉन्फिडेंस की तारीफ की और कहा इसे कहते हैं कट्टर कॉन्फिडेंस। अब आपको हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी इस मैच में कैसी लगी प्लीज कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे इस तरह के अपडेट्स पाने के लिए खबर विभाग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।